आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर का इजलास, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम से मुतालिक उमूर ज़ेरे गौर आए। वज़ीर क़ानून ने कहा, आज़ाद अरकान का सियासी जमात में शमूलियत और मखसूस नशस्तों का मामला वाज़े है। अली मोहम्मद खान बोले, ये निजी बिल है, वज़ीर क़ानून वकालत ना करें। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर का इजलास हुआ। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम से मुतालिक उमूर ज़ेरे गौर आए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा, आज़ाद अरकान का सियासी जमात में शमूलियत और मखसूस नशस्तों का मामला वाज़े है। जिस पर PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान बोले, ये निजी बिल है, वज़ीर क़ानून वकालत ना करें। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद, नवीद आप हमें सुन सकते हैं, तो इस खबर से मुतालिक तफसीलात बताइए। नवीद से रिकनेक्ट करके अपने नाज़रीन को मज़ीद भी डिटेल्स बताएंगे। आपको फ़िलहाल बता रहे हैं, इस्लामाबाद कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर का इजलास हुआ है। नवीद बताइएगा, आप हमें सुन सकते हैं, तो क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर का इजलास हुआ है, जिसमें इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम से मुतल्लिक उमूर पर गौर किया गया है। और उसमें वज़ीर क़ानून ने वजाहत किया कि आज़ाद रुकन किसी भी सियासी जमात में शमूलियत और मखसूस नशस्तों का मामला बड़ा वाज़े है। उनका कहना था कि ये निजी बिल है, जिस पर अली मोहम्मद खान ने कहा कि आप वकालत ना करें। जिस मेंबर ने ये बिल पेश किया उसको बात करने दी जाए और बलडोज ना किया जाए। जिस पर बशीर वेक ने कहा कि अली मोहम्मद खान ताखीर से आए हैं, और वजीर कानून का कहना है कि ये बिल बहुत सारी कंफ्यूजन को दूर करता है। पार्लियामेंट कानून का इदारा है, अदालतें सिर्फ तशरीह करती हैं। उनका कहना है जहाँ पार्लियामेंट को लगे उसके अख्तियार में मुदाखलत हो रही है या आयन दोबारा लिखा जा रहा है, वहाँ पार्लियामेंट को कानून साजी का अख्तियार हासिल है। आयन और कानून बनाना पार्लियामेंट का अख्तियार है। वज़ीर क़ानून का ये भी कहना था कि कानून साजी अदालत का नहीं पार्लियामेंट का अख्तियार है, इस बिल में कोई चीज नई नहीं। वज़ीर क़ानून ने कहा कि जो रूल एक्ट आइन में मौजूद है, बिल उसको वादे करता है, किसी जमात में शमूलियत की मुदत 3 दिन है, इसके बाद किसी दूसरी जमात में शमूलियत नहीं हो सकती। उनका कहना था कि इलेक्शन के बाद एक प्रोसेस हुआ, शमूलियत के वक्त खत्म हुआ, किस कानून के तहत किसी रुकन को दोबारा किसी दूसरी जमात में शमूलियत कहा जा सकता है? किसी रुकन असेंबली की शमूलियत एक बार ही किसी जमात में हो सकती है, मखसूस नशस्तें भी उसी जमात को मिलेंगी जिसने लिस्ट फराहम की है। उनका कहना था कि रूल में साफ वाजे है और इसको एक्ट का हिस्सा बना रहे हैं। वज़ीर क़ानून ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की निजी बिल की हिमायत कर दी है। ज़राए कह रहे हैं कि अगले जुमा जो 2 दिन बाद जो कौमी असम्बली का इजलास यानी कि जुमे को हो रहा है, उसमें गालिब इम्कान ये है कि इस बिल को मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नवीद, आपने मुफसिल अंदाज में अपडेट किया। अहम खबरों में इतना ही, देखते रहिए आज न्यूज़।